हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। एंड कैसे हैं आप सब? सो फिर से हम लाइव आ चुके हैं एंड वन मोर गेस्ट इज गोइंग टू जॉइन अस, समवन वेरी स्पेशल। एंड मैं उनको काफ़ी क्लोज मानता हूँ बिकॉज ही इज़ फ्रॉम अजमेर टू। वी विल बी जॉइनिंग बाय वेरी अमेजिंग पर्सनालिटी एंड सुप्रीमली टैलेंटेड मिस्टर राजीव पॉल। यू हैव सीन हिम इन बिग बॉस एंड लेट मी जस्ट चेक वेदर सर इज हियर और नॉट। ओके, सो आई एम वेटिंग फॉर राजीव सर टू जॉइन इन। बाय दैट टाइम यू कैन सेंड इन योर क्वेश्चंस एंड कमेंट्स। हेलो आशीष, हाय कॉस, हाय लवली गर्ल, कैसे आप सब? सो वी आर डन विद वन लाइव सेशन इन द नून टाइम एंड नाउ वंस अगेन वी आर लाइव। सो लेट्स सी। ओके, सो आई एम वेटिंग फॉर राजीव सर टू जॉइन इन। ओके, हाय एवरीवन, हाय समीक्षा। सो लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, वी आर गोइंग टू बी लाइव विथ द ग्रेट इंडियन टेलीविजन एक्टर राजीव पॉल एंड लेट्स सी इज ही हियर। हाय हाय एवरीवन, हाय प्रिंस, हाय अर्पित। सो हेलो एवरीवन एंड आई एम वेटिंग फॉर सर टू जॉइन इन। लेट्स सी, स्टिल वेटिंग, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर सर। ओके, सो टीम राघव जयाल इज हियर, इट्स सेइंग हेलो। हेलो वेंकट, हेलो मिताली, हेलो शशि कुमार, हाय। यू कैन सेंड इन योर क्वेश्चंस एंड यू कैन सजेस्ट अस आल्सो व्हाट काइंड ऑफ मीम्स यू वुड लाइक टू सी फ्रॉम आवर पेज इन कमिंग डेज, इन कमिंग टाइम। एंड व्हाट डू यू थिंक, लॉकडाउन फेज 4 आने वाला है कि नहीं? गणेश, बॉर्न टू शाइन, हाय। हाय नीतू, सो अतिशय कुछ तो कह रहे हैं भाई, दिल कहाँ से लाए यार, हमारा दिल मर गया है लॉकडाउन में अंदर रह के। सो आई एम वेटिंग फॉर राजीव सर, स्टिल वेटिंग। क्या सर, राजीव सर अभी तक आए नहीं है, बाप रे। हेलो हेलो ऋषभ पंडित भाई दिल नहीं आता, कैसे आता है यार, मुझे नहीं पता कौन बोल रहा है ये, पता नहीं भाई। ये आ गया देख भाई, ये क्या लड़कियों वाले फिल्टर लगवा रहे हो तुम अतिशेक, ये अच्छी नहीं है, ये टिकटॉकर नहीं बनना मेरे को, मेरे को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बने रहना है अच्छा सा। सो आई एम स्टिल वेटिंग, राजीव सर आए कि नहीं? अरे बाप रे, अभी भी नहीं आए। सो टिल देन समबडी वॉन्ट्स टू जॉइन आई गेस, लेट मी चेक। और पे कौन कौन है, लेट्स सी कौन ज्वाइन कर रहा है। मलाई कोफ्ता भाई मेरे को बहुत पसंद है, मलाई कोफ्ता कोई तो ज्वाइन किया है मेरे ख्याल से। कौन है यार ये अंधेरे में? ओके, भाग गया शायद, डर गया वो मेरे को देख के। अलीशा, हाय। हाय धृति, हाय हरिहरन, एंड आई एम स्टिल वेटिंग, यस। एंड राजीव सर इज हियर एंड इन फ्यू मोमेंट्स ही विल बी जॉइनिंग अस, एंड हियर इट इज। हेलो राजीव सर, हाउ आर यू? वेरी गुड ब्रो, हाउ आर यू यार, लुकिंग सो हैंडसम यार। आई एम ट्राइंग टू लुक लाइक यू यार, देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी आपके जैसा। अब आपको देख देख के, हालांकि मैं इतना छोटा भी नहीं हूँ, बट मैं आपके सीरियल 90s से देखते हुए बड़ा हुआ हूँ एंड आई स्टिल लव योर डिम्पल्स। सबसे पहले तो मैं तो अभी भी बड़ा हो रहा हूँ, बट हम भी बहुत। सर आपका वॉइस ब्रेक हुआ, आप क्या कह रहे थे? हेलो, कैन यू हियर मी क्लियरली? यस सर, यस, लाउड एंड क्लियर, एब्सोल्यूटली राइट, लाउड एंड क्लियर। ओके, या सो हाउ आर यू डूइंग, या हाउ आर यू डूइंग इन दिस लॉकडाउन?
सर मैं सबको परेशान कर रहा हूँ, सब एक्टर्स को मैं मैसेज करता हूँ, चलो लाइव आ जाओ मेरे साथ, मैं बोर हो रहा हूँ, तो लेट्स डू सम चिट चैट एंड थोड़ा ऑडियंस को भी एंटरटेन करते हैं। नो नो यार, यू डूइंग अ गुड जॉब. इट्स गुड टू थैंक कीप कनेक्टेड एंड यू नो बी इन टच. राइट या सो मैं बता दूं, वी आर लाइव राइट नाउ विद द इंडियन टेलीविजन एक्टर राजीव पॉल, एंड सर काफी अच्छी शायरियां लिखते हैं, काफी अच्छी पोइट्रीज लिखते हैं, सो वो हम सर से जरूर सुनेंगे। बट सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा सर, 3 फेजेस आ चुके लॉकडाउन का, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि चौथा भी आने वाला है, सो हाउ यू आर स्पेंडिंग योर टाइम क्वारंटीन में? यार ये शुरू में लगा कि चलो एक यू नो एक दो दिन मोदी साहब ने कहा है सब घर पे बैठ जाओ. पहले 1 दिन का हुआ, फिर 3 दिन का हुआ, फिर तो बढ़ते बढ़ते आई थिंक वी ऑल लॉस्ट काउंट कि कितने दिन हो गए लॉकडाउन होते होते. अब तो मेरे ख्याल से आज कौन सा दिन है लॉकडाउन का, वी फॉरगॉटन इफ आई सर यू नो एक एग्जैक्टली डे नहीं दिन, पता, बहुत दिन हो गए. ये बता दो दिन कौन सा है आज? दिन तो वेडनेसडे है, आज तो चाय थे आपके साथ इसलिए याद है मेरे को वेडनेसडे 5 बजे. तो अभी पूरे दिन में ऐसा कुछ मतलब एवरी डे संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे वाला दिन है. तो संडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सारे दिन सेम ही लगते हैं, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, घर पे बेल बजती नहीं है. मतलब अगर घर पे बेल बजे तो लगता है यार कौन आ गया. डर भी लगता है, एक्साइटमेंट भी होता है कि बिकॉज आप कहीं जाते नहीं हो, कोई आता नहीं है. सो इट्स अ स्ट्रेंज थिंग. कमिंग टू द क्वेश्चन कि व्हाट डू आई थिंक, यार अगर केसेस ना बढ़े तो हमें लॉकडाउन खोल देना चाहिए इज व्हाट आई फील. बिकॉज हम कब तक घरों पे बैठे रहेंगे सारे लोग. इट्स बट गवर्नमेंट नोज व्हाट्स द बेस्ट फॉर द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ आर कंट्री, सो वी हैव टू अबाइड बाय द रूल्स जो भी सेट हो. राइट, सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि आप अभी अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हैं ड्यूरिंग क्वारंटाइन, व्हाट न्यू थिंग्स यू आर एक्सप्लोर? टाइम मिलता कहाँ है क्योंकि सुबह उठो सब लोगों की जिंदगी वैसी है, हमारे घर पे कोई हेल्पर्स ऑब्वियसली नहीं आ रहे. तो आप नई नई चीजें, जब कोई पूछता है कि आज खाने में क्या बनाओगे तो आप ये सोचते हो कि कैसी चीज बनाए जिसमें बर्तन सबसे कम यूज हो. तो डिश खाना क्या है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, जिसमें बर्तन. वन डे आई ट्राइड मेकिंग दाल फ्राई, तो ये लगे इसमें 5 मिनट लगते हैं यार. एक बर्तन में आप पहले दाल को भिगो, फिर उसको छानो, फिर उसको प्रेशर कुकर में उबालो, फिर उसको यू नो मसाला लगाओ, फिर तड़का लगाओ. सो 6-7 बर्तन एक डिश के लिए इट्स टू मच. सो ये लगे बेस्ट राइट, सैंडविच बना लो यार, यू नो अब इजी. सो यू ट्राई टू फाइंड वेज टू बी इनोवेटिव कि कम से कम किचन फैलाए हुए आप अच्छी से अच्छी चीज बना सके. आई थिंक दैट इज द क्राइटेरिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ओके या सो राइट राइट, तो दैट्स वन वन स्किल दैट पर्सन आई डेवलप. जी या सॉरी क्या बोल रहे. यश जैन हैज ज्वाइन फ्रॉम अजमेर एंड ही इज आस्किंग यू, डू यू रिमेम्बर अरुण जैन? यू यूज्ड टू कम टू अवर हाउस। ऑफ कोर्स अरुण जैन इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन. वेयर इज ही, हैव लॉस्ट टच विद हिम. वेयर इज अरुण? हमारे बहुत उसके घर के पास में एक जूस की दुकान भी थी, हम लोग जाते थे मैं और राकेश. इनफैक्ट हम लोग सोच भी रहे थे कि कहाँ, हाउ इज ही कनेक्टेड टू अरुण जैन, प्लीज आस्क हिम. यश, ये उनके चाचा है आई गेस, यश जैन के चाचा है अरुण जैन, अरे इसीलिए। भैया अरुण जैन को बोलो मुझे मैसेज करे. यश जी आप मुझे इनबॉक्स पे उनका नंबर मैसेज कर दीजिएगा. इट विल बी ग्रेट टू गेट इन टच विद अरुण यार. या ग्रेट ग्रेट, सो यश इफ यू आर लिसनिंग, सर नंबर मांग रहे हैं, सो प्लीज डीएम या मुझे बताइए, मैं सर तक पहुंचाऊंगा उनका नंबर बिल्कुल जी। बिल्कुल. तो रॉडनी डेविड पूछ रहे हैं, सर आर यू मिसिंग कड़ी कचौड़ी ऑफ अजमेर? यार अजमेर की कौन सी चीज मिस नहीं करते. धन्ना कचौड़ी मिस करता हूँ, मेरे घर के सामने धन्ना की शॉप है. सो धन्ना कचौड़ी आई मिस. ऑफ कोर्स जो अपनी मदार गेट पे जो फेमस कड्डी कचौड़ी है दैट आई मिस. बजरंगड़ के नीचे वाले जो टिकिया मिलते हैं, जो साउथ इंडियन खाना मिलता है वहां पे, जो रेस्टोरेंट्स हैं और वहां के गोलगप्पे जो मिलते हैं दैट आई मिस. फिर हमारे जो गोले हैं जो अजमेर के गोले, फिर हमारे मदार राइट, गेट जो फालूदा वाला है, जो फेमस फालूदा वाला जो पकड़ पकड़ के सबको खिलाता है दैट आई मिस. क्या बात हाँ तो वो तो ये अजमेर की खा. फिर जो अपनी नसिया में जाके जो जीमना जो बैठ के जो जीमते हैं उसका अलग, जो हमारे लक्ष्मी बाग में जो शादियों में जो पूरे जो बुफे लगते हैं उसका अलग मजा है. अजमेर का
प्लेजर इज डिफरेंट है. प्लस जो अपना वो कॉफी मिलती है कचहरी रोड के उधर, क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल रहा हूँ. कचहरी कचहरी रोड नहीं, जो अपना वो रोड जाता है ना पीछे, कोर्ट के पीछे जो रोड जाता है. बस स्टैंड वाला रोड, बस स्टैंड वाला हाँ, रोड जो बस पीछे स्टैंड वाला का, रोड, वहां पे जो कॉफी मिलती है, कॉफी एंड बन पाव. कोल्ड कॉफी मिलता है वहां पे रात बस हाँ, स्टैंड। मैं उसका नाम भूल रहा हूँ उनका. अगर किसी को याद हो, अजमेर से कोई सुन रहा है तो प्लीज उसका नाम बताएं. हाँ उस जगह का नाम बता दीजिए अगर कोई देख रहा है तो, मैं भूल गया। हाँ तोप दड़ा एक वो पीछे जाता है रास्ता हाँ क्या, एक बस, जो पीछे से रास्ता जाता है, जो मेयो कॉलेज की तरफ रास्ता जाता है. एक राइट. वो वहां पे पीछे जाके मयूर स्कूल पे जाके कनेक्ट भी होता है वो रास्ता। और सबसे ज्यादा तो पुष्कर यार, पुष्कर की जो वहां पे चाय, गुलाब जामुन, जलेबियां, वहां का जो जो वहां पे जो ढाबों पे खाना मिलता है, जो टिपिकल अपना राजस्थानी खाना, मिर्ची की सब्जी और उसके ऊपर तंदूरी घी की रोटियां, ओहो हो, दैट्स ऑसम यार. सर हमारे सर अजमेर के इतना बहुत. तो मत, यहाँ पे सर दिल में दर्द हो रहा है। कुछ है ही अरे नहीं यार, खाने वो को। अब आपने शुरू आपने किया अजमेर की चीजों का, तो फिर वो कैसे होगी अजमेर की, फिर हम बात आधी रखें. नहीं नहीं सर बिल्कुल। शिल्पा है वो आपको हाय कह रही है, एंड परेरा विलियम है अर्जेंटीना से, शी इज सेइंग लॉट्स ऑफ ग्रीटिंग टू यू फ्रॉम अर्जेंटीना। हाय शिल्पा, हाय. अर्जेंटीना वाली का नाम क्या है? परेरा विल्मा हाय परेरा, हाय शिल्पा. सुनरेना इज आस्किंग वन थिंग यू लाइक एंड डिसलाइक अबाउट योरसेल्फ। डिसलाइक करने जैसा मुझ में क्या है यार, मैं खुद भी ढूंढ रहा हूँ. डिसलाइक करने वाला अगर कुछ है तो आई थिंक आई गेट लिटिल लेजी. मैं काफी चीजें सोचता हूँ कि मैं करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, लेकिन वो फिर सोच के रह जाता है. सो आई एम वेरी लेजी दैट वे. द गुड थिंग आई थिंक, चांद की तारीफ क्या करना यार. मैं कैसे अपने बारे में कुछ कुछ कहूँ. सो रानिया इज आस्किंग सर हाउ मेनी गर्ल्स यू हैव इम्प्रेस्ड विद योर डिंपल्स। नन नन वॉट्स एवर, नो बडी दैट आई नो इज इम्प्रेस विद मी यार. मुझसे कोई इम्प्रेस कहाँ होता है. सर मतलब स्कूल कॉलेज टाइम में तो माशाल्लाह कैर ढारते थे आप, तब भी अभी भी ढारे हो, बट आप झूठ बोल रहे हैं। उस टाइम का तो नहीं सर, बच्चा मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ. देख लो, कोई कोई लड़की कहाँ, मतलब मुझसे कहाँ कोई कोई इम्प्रेस होता है. नो बडी नो बडी दैट आई नो. चलिए सर कल्टी मारना चाहते हैं सर, डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। मैं पक्का ये तो सबसे बड़ा मैं नहीं मानता सर की ये बात। एंड सर क्या आपने लॉकडाउन या कोरोना पे कोई पंक्तियां या कुछ लिखा है? बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल आर मेकिंग सॉन्ग्स ऑन कोरोना लॉकडाउन, भोजपुरी गाने भी आ रहे हैं, आप भी गाए हैं? यार सी, अब मेरी एक प्रॉब्लम है कि जब मैं कुछ लिखता हूँ मैं भूल जाता हूँ. आई कांट रिमेम्बर एवरीथिंग दैट आई राइट, विच इज नॉट अ वेरी गुड थिंग फॉर समबडी हु राइट्स पोइट्री. कोरोना के लिए एग्जैक्टली मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं है, बट ये जो लॉकडाउन के दिन बीत रहे हैं हमारे, ऐसा लगता है कि स्लो मोशन में जा रहे हैं सारे. हर दिन सेम ही लगते हैं, सुबह और शाम में ज्यादा फर्क नहीं करते हैं. लेकिन लॉकडाउन के जो दिन हैं हमारे, बहुत जल्दी किस्सों के हिस्सा बन जाएंगे हमारे. लॉकडाउन में जानते हो क्या हुआ था, लॉकडाउन में जानते हो क्या हुआ था, याद करेंगे हम इन दिन को सारे. लॉकडाउन के दिन जो बीत रहे हैं सारे, स्लो मोशन में लगता है कट रहे हैं सारे. अमेजिंग सर, मैं बोल रहा हूँ ये लॉकडाउन जाएगा ना आज हाँ से 3 महीने, मैं तो चाहूंगा जल्द से जल्दी खत्म हो, बट पीपल आर गोइंग टू राइट मिसिंग माय लॉकडाउन टाइम, मिसिंग माय लॉकडाउन। हाँ, अभी अभी आई थिंक मेरा स्टेटस, मुझे लगता है कि आई एम मिसिंग द ट्रैफिक जैम्स ऑफ मुंबई, यू नो. आई एम मिसिंग कि यार हम कभी भी WTF चले जाते थे, हमारे फ्रेंड्स के साथ पार्टीज करने चले जाते थे, किसी को भी किसी के भी घर चले जाते थे. मतलब कोई आप सोचते थे, प्लान किया यार किसी को भी मिल लो. अब तो आई डोंट नो व्हेन नेक्स्ट विल इट हैपन कि आप किसी के घर बेझिझक चले जाओ, कोई आपके घर आ जाए और आप उसे चाय कॉफी दारू पिलाओ. सो इट्स अ वेरी, मतलब वो एक एक और चीज है जो मुझे लगता है हर इंसान खास बनना चाहता था. चाहता है कि यार मेरे पास कोई भीड़ भड़क्का ना हो, मैं हर जगह जाऊं, एक्सक्लूसिविटी मिले. आई थिंक आज हमें रियलाइज होता है कि आम होने में कितनी खास बात है, कि हम जहां जाए भीड़ मिले, रेस्टोरेंट्स में भीड़ मिले, ट्रेन
ट्रैफिक जैम मिले, हमको जहां जाए लोग मिले, वो सिर्फ एक दुकान खुले और उसपे भीड़ नहीं। वी वॉन्ट यू नो, आजकल मॉल, हमको मॉल्स में ऐसा लगता था यार उधर पार्किंग नहीं मिलती यार, हर दुकान में भीड़ है, एंट्री करो तो चेकिंग और यू नो मॉल्स। अभी वी आर सो डाइंग फॉर दैट काइंड ऑफ एनर्जी इन आर लाइव्स। राइट, बिल्कुल सही. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग. सुनरैना इज आस्किंग, सर व्हेन यू विल बी बैक ऑन टेलीविजन विद समथिंग न्यू. अरे भैया शूटिंग तो शुरू होने दो यार अभी तो यही शूटिंग बैक ऑन टीवी, आजकल मोबाइल ही टीवी है। वैसे लेट मी टेल यू, सब लोगों को स्वाभिमान शो बड़ा पसंद था, तो जी स्वाभिमान के सारे एपिसोड्स अब MX प्लेयर पे आ गए हैं, तो जो लोग भी देखना चाहें बैक ऑन टीवी से। मेरा काफी शोज हॉटस्टार पे हैं, काफी शोज अभी MX प्लेयर पे, रिसेंटली स्वाभिमान हैज बीन अपलोडेड, सो ऑल द एपिसोड्स आर देयर, सो ऑल दोज हु लाइक स्वाभिमान और who have not seen Swabhiman or who remember Swabhiman vaguely क्योंकि बहुत साल हो गए, so they can see the entire show in this lockdown on MX player. DD1 पे वापस नहीं आना चाहिए आपको लगता है? बिकॉज लॉट्स ऑफ मैंने शोज आई पूछा थिंक. हमारे जो प्रोड्यूसर थे अमित खन्ना साहब, हमारा एक प्लस चैनल का ग्रुप है व्हाट्सएप पे, तो मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा MX player पे आया है एंड आई डोंट थिंक DD पे आने वाला है अभी, सो ओके ओके, लाइक वो दैट। तो मोस्ट डिपेंड करेगा. अगर लॉकडाउन लंबा होगा तो उस पर एपिसोड ज्यादा है वैसे भी, तो रिपीट वो आ यार सकता है. 799 एपिसोड्स हैं उसके, सो आई डोंट थिंक इतना लंबा लॉकडाउन चलना चाहिए हम बट अगर आएगा तो इट वुड बी गुड, हम वापस देख पाएंगे एंड वी कैन रिलिव आवर चाइल्डहुड डेज. या बट यू कैन सी इट ऑन MX प्लेयर, दैट्स फ्री, तो या भी देख देन सकते राइट लॉकडाउन और नो लॉकडाउन। या सो टॉप 5 वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन ऑन योर फोन ड्यूरिंग लॉकडाउन. व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ओके एंड किंडल। ग्रेट. इफ गिवेन एन ऑप्शन ऑफ अनलिमिटेड फूड और अनलिमिटेड डेटा, विच ऑप्शन विल यू टेक ड्यूरिंग क्वारंटीन? यार अनलिमिटेड फूड बेटर है क्योंकि जो खाना आपको, जो टेस्टी खाना जो खाने का मन करता है, जैसे हम पहले जोमैटो स्विगी और हर जगह से हम खाना मंगा लेते थे, कहीं पे भी जाके खा लेते थे, अभी कई जगह वो ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन कहीं ना कहीं पे एक डर है कि मंगाना चाहिए कि नहीं, आई डोंट नो, वो एक डर है हम सबके दिल में। हालांकि हमारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने, जिनके रेस्टोरेंट्स हैं, वो सब बताते हैं कि इट्स सेफ एंड दे आर टेकिंग लॉट ऑफ केयर, बट सो वो एक फूड इज अ वेरी बिग थिंग फॉर एवरीवन, तो अगर राइट, रोज बनाना ना पड़े और मनचाही चीज आ जाए तो नथिंग लाइक इट। ग्रेट ग्रेट. बट सो ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स बिकॉज डेटा इज द ओनली वे टू स्टे कनेक्टेड, सो आई डोंट नो, इट्स अ वेरी टफ चॉइस, वेरी टफ चॉइस। मे बी 50% डेटा और 50% खाना, वील मेक डू। हम तो चाहेंगे सर की जो विशेष वही पूरी हो, तो हम सर को दोनों देंगे. एंड नेक्स्ट हाउ क्वेश्चन इज कमिंग, सर वुड यू बी वर्किंग इन वेब सीरीज इन कमिंग टाइम? अतिशेक पूछ रहे हैं. जी, बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक जी, आप या कोई भी जो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स चैनल सुन रहे हैं, ऑफ कोर्स आई वांट टू बी ऑन वेब। या आई हैव डन टू शॉर्ट फिल्म्स, वन इज ऑलरेडी ऑन यूट्यूब, टू अ न्यू बिगनिंग, इट वाज अ वेरी वेरी वेल मेड फिल्म एंड डिड प्रीटी वेल, एंड द अदर वन इज कॉल्ड लेवल 13 व्हिच इज वन अ लॉट ऑफ अवार्ड्स एंड व्हिच विल सून बी कमिंग ऑन वन ऑफ द चैनल्स आई सपोज। ओके ग्रेट ग्रेट टू नो दैट. एंड सर नेक्स्ट इज कमिंग, हु वाज योर फेवरेट बिग बॉस कंटेस्टेंट फ्रॉम दिस इयर्स बिग बॉस, लास्ट बिग बॉस सीजन? आई थिंक रश आई बी पार्शल टू रश्मि बिकॉज शी इज अ फ्रेंड, सो आई से रश्मि देसाई। आई नो शी वेंट थ्रू लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन द शो, बट शी इज अ वेरी स्वीट गर्ल एंड आई वुड, आई एम समबडी ऑलवेज स्टिक्स बाय देयर फ्रेंड्स, सो आई वुड से रश्मि। ओके सो सर मेरे पास एक फन सेगमेंट है, एज वी डिस्कस्ड हम थोड़ा हाँ फन ज्यादा बिकॉज रेगुलर चैट्स होती रहती है. जी सो जी हाउ गुड यू आर इन हिंदी? मेरे ख्याल से यार ठीक ही है हिंदी जी। शुद्ध हिंदी कितनी अच्छी है आपकी? अब भैया आप ऐसे कुछ उल्टे सीधे वर्ड्स पूछोगे तो शायद आप फंसाने के लिए ही करोगे, ठीक है कर लो। चलिए मेरे पास दो हाँ तरीके के फन सेगमेंट है. पहले थोड़ा सा मेरे पास कुछ इंग्लिश वर्ड्स हैं एंड उनको आपको गेस करना है हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक ओके है? ठीक है, ट्राई वैसे करते देता हैं। हूँ, देना चाहूंगा आपको. सो फर्स्ट वन इज बैटरी. बैटरी को हिंदी में क्या कहते बैटरी, सेल,
रेडी। इस नाम के एक एक्टर भी हमारे बॉलीवुड में। बैटरी नाम के एक्टर जॉनी लिवर एक है, जो लिवर के अजीब थोड़ा। बैटरी मनमौजी नहीं, जगदीप पुराने नहीं यार क्या। जामवाल हाँ का सरनेम है, जी क्या जामवाल है, किस एक्टर का है आपको पता है? जामवाल किस एक्टर का विद्युत, सर? विद्युत जामवाल, विद्युत हाँ इज सिंपल, बैटरी। अरे वाह, विद्युत कोश बैटरी को कहते हैं हिंदी में। अरे विद्युत कोश, क्या बात है यार, ये मुझे पता नहीं था। वेरी चलो नाइस विशाल बाबू, कमाल। मैं थोड़ा इजी लेता हूँ। वेद, डॉक्टर, डॉक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? डॉक्टर, वेद चिकित्सक, आई विल टेक दैट। चिकित्सक, वैद्य, सही। वेद या तो नेक्स्ट वन सरनेम। गोत्र, ना ना, गोत्र तो कास्ट काइंड हो गया। गोत्र नेम, जाति। नहीं, नेम हमारा फर्स्ट पार्ट है, सरनेम सेकंड। सो नेम को हम नाम कहते हैं तो सरनेम को। सरनेम जाति, पिताजी का नाम, दादाजी का नाम। शिट, आई एम तो सो सॉरी, आई उपनाम, एम गोत्र उपनाम, और जाति बोला, क्या क्या नाम, उपनाम, उपनाम। उपनाम। हाँ, ओके उपनाम। टेलीविजन, दूर दूर ध्वनि केंद्र, दूर ध्वनि वो तो रेडियो को बोलते हैं, दूरदर्शक। दूरदर्शन, दूरदर्शन, राइट राइट राइट। दूरदर्शन से दूरदर्शक बना, दूर बैठा हुआ दर्शक। यस फायर ना, ब्रिगेड, सर मार देंगे मेरे को आज। अग्नि अग्नि अग्निशमन, ये राइट, अग्निशामक दल, राइट राइट सर। मेरे घर के सामने ही है इसलिए आई नो अग्निशमन केंद्र। क्या बात। हाँ तो नेक्स्ट वन इज इंजीनियर। इंजीनियर का मुझे पता था, लेकिन कारीगर, कारीगर भी ये एक चल सकता है, कारीगर भी चल सही सकता है, होना चाहिए। इंजीनियर कारीगर ही होते हैं वैसे, बट है। हाँ रियल में देखू तो अभियंता बोलते हैं, अभियंता। यार, ये वर्ड तो किसी ने सुना नहीं है भाई। बट सर हाँ कारीगर, इंजीनियर्स कारीगर ही होते एक तरीके से। सोशल अच्छा, अब सोशल डिस्टेंसिंग को क्या बोलते हैं हिंदी में, वो बताओ आप। डिस्टेंसिंग, दूर रहना, एक दूसरे से दूर रहना। नहीं शो, ये सोशल अच्छा बोल। डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, इसका हिंदी वर्ड क्या होगा, बहुत पूछ रहे हो ना अब। आप भी बताइए। टाइम सोशल स्टार्ट डिस्टेंसिंग, नाउ। बाप रे, अरे यार कोई हेल्प करो प्लीज व्यूअर। सोशल मेरी आपसे भी डिस्टेंसिंग, पूछ रहा हूं ऑडियंस से, फिजिकल डिस्टेंसिंग को हिंदी में क्या कहेंगे। डिस्टेंस मतलब फंस गया मैं। सर ने फंसा दिया पीछे से। हाँ सोशल डिस्टेंसिंग, दूरी कुछ तो रहेगा ऐसे ही, दूरी बनाओ या तन दूरी तंदूरी, तंदूर। सो तंदूरी। फिजिकल सर गुड, डिस्टेंसिंग इज तंदूरी, ठीक ये है बोल रहे ना। शारीरिक दूरी, संदीप बोल रहे हाँ शारीरिक दूरी, शारीरिक दूरी। शारीरिक दूरी इजियर इज तंदूरी ना, सो नाउ बट नेक्स्ट लाइक टाइम यू ईट तंदूरी चिकन सो यू विल रिमेम्बर सामाजिक मी। सामाजिक सामाजिक दूरी भी है, बट दूरी, तंदूरी, थोड़ा फनी आंसर है, आउट ऑफ द बॉक्स है, तंदूरी। राइट। तंदूरी। हाँ एक्टर को क्या कहेंगे? ये तो आसान है। अभिनेता, अभिनेता सर। लास्ट वन कंप्यूटर। कंप्यूटर। ये आपने फंसाया, एक सुना हुआ है बट आई कैन रिकलेक्ट राइट नाउ। तो ये पढ़ने में भी बहुत डिफिकल्ट है, मैं प्रोनाउंस करता हूं, संगणक यंत्र। अरे बाप रे, ऐसा लग रहा रामायण से आया नहीं है। हाँ हाँ करेक्ट, संगर, कांट इवन प्रोनाउंस इट राइट नाउ यार। ओके बट अभी क्या हो गया ना, जब मैं कई बार जब पोइट्री लिखता हूँ तो कई लोग शुरू शुरू में, मुझे किसी ने कहा था कि आप जब पोइट्री लिखते हैं तो आप अगर हिंदी के वर्ड यूज कर रहे हैं तो हिंदी के ही यूज कीजिए,
उसमें उर्दू के वर्ड्स मिक्स मत कीजिए, अगर आप उर्दू के वर्ड यूज कर रहे हैं तो उर्दू ही यूज कीजिए, हिंदी मत यूज कीजिए। तो मैंने जो जो मेरी पोइट्री लिखी थी उसमें ट्राई किया वर्ड्स को, टेक्निकली करेक्ट बात बोली थी मेरे एक मित्र ने, लेकिन फिर जब मैंने ट्राई किया तो मुझे लगा कि नहीं यार, वो वर्ड्स अच्छे लग रहे हैं जैसे हैं जहां हैं। फिर मैंने बहुत कोशिश की एंड इट डिडंट, वो जब मैंने चेंज किया तो मजा नहीं आया। फिर मैं गुलजार साहब का एक इंटरव्यू सुन रहा था, उनकी जो गाने हैं कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना, तो वो जब वर्ड यूज करते हैं, उन्होंने कहा कि पोइट्री में जो हमारी आम भाषा उस वक्त, अगर हम पीछे जाते हैं जमाने में, तो उस वक्त जो लैंग्वेज यूज होती थी वही लैंग्वेज पोइट्री में भी आती है। जब आप आज के जमाने में आते तो मोबाइल फोन, मोबाइल इज बिकम अ वेरी कंटेम्प्ररी इजी वर्ड, आई एम श्योर देर इज अ करेक्ट हिंदी वर्ड फॉर इट, बट मोबाइल इज कॉल्ड मोबाइल। सो हाँ, मोबाइल इज अ मोबाइल, यू नो इंटरनेट इज इंटरनेट, तो उसको उन वर्ड्स को वैसे ही रखना चाहिए। आप उसको अगर हिंदी या उर्दू में जाएंगे तो लहजा और लैंग्वेज चली जाती है। तो आज की लैंग्वेज इज वेरी हिंदी इंग्लिश इजी वर्ड्स यूज करनी है, आई फील। मोबाइल को हिंदी में कहते हैं चल दूरभाष। हाँ चल दूरभाष, करेक्ट, दूरभाष, चल दूरभाषा, बट इट्स सच अ डिफिकल्ट थिंग टू यूज ना। राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल। सो मेरे पास एक और फन सेगमेंट है। आपको मूवी डायलॉग्स कितने याद रहते हैं, स्पेशली कॉमेडी मूवीज के? अरे बिल्कुल भी नहीं यार, बट यार, मजा आता है सुनने में, तो आप सुनाइए, मैं जरूर मजे लूंगा। आप, मैं सुनाऊंगा आपको, मूवी गेस करनी है, बस बहुत आसान सा टास्क है आपके लिए। कुछ ठीक है, ट्राई कॉमेडी करते हैं। फेमस डायलॉग्स हाँ है, आपको मूवी का नाम गेस करना है। ओके, ठीक है, पहला डायलॉग है, साला मैं भी फेंकू और ये भी फेंकू, सर्कस का रिटायर्ड बंदर लगता है। अंदाज अपना अपना। राइट सर, हाँ आता है, याद है आपको हाँ सारे डायलॉग। हाँ नेक्स्ट वन, कौवा कितना भी वॉशिंग मशीन में नहा ले, बगुला नहीं बनता। कौवा कितना भी वॉशिंग मशीन में ना, ये झूठ बोले कौवा काटेगा तो नहीं है। नहीं, ये परेश रावल का डायलॉग है एंड का अच्छा प्रियदर्शन। वो हलचल, नो आई आसपास कांट, हंगामा। अच्छा नो आई कांट रिमेम्बर, अच्छा ओके। तो उस टाइम की जो फिल्में वो काफी मिलती जुलती थी, तो इट बिकम लिटिल डिफिकल्ट। यस अच्छा, ये वाला बहुत आसान है, आलू ले लो कांदा ले लो, सुबह से ना एक आलू बिका है ना बिका है आधा कांदा। सर ये तो नो बहुत यार, आई कांट रिकलेक्ट दिस वन। ये नाना पाटेकर बोलते हैं, आलू ले लो कांदा ले लो, सुबह से ना एक आलू बिका है ना बिका है आधा कांदा। मुझे बिल्कुल ये मैंने नहीं सुना है यार, मिस कर दिया है मैंने। हाँ वेलकम वेलकम डायलॉग। अच्छा ओके ओके, चलिए ये नेक्स्ट वन है, साला छोटी गंगा बोल के नाला नाले में खुदा दिया। बिल्कुल भी नहीं पता। विजय विजय राज का ये डायलॉग है एंड इनका रोल काफी पॉपुलर हुआ था इस मूवी में। हम आई थिंक अभिषेक बच्चन वाली फिल्म की बात कर रहे हो आप, राइट रन रन और समथिंग सिमिलर, रन रन ना, राइट। तो उसमें उन्होंने बोला था, साला छोटी गंगा बोल के नाले में खुदा दी, उनको यमुना में उनका जब मुझे वो कौवा बिरयानी वाला डायलॉग ज्यादा याद है, कौवा बिरयानी वाला, दैट वाज अ वेरी पॉपुलर वन। कौवा बिरयानी वाला भी फेमस है। चलिए नेक्स्ट वन है, यू आर अ गुड क्वेश्चन बट योर क्वेश्चन हर्ट्स मी। यू आर अ गुड क्वेश्चन बट योर क्वेश्चन हर्ट्स मी, ये सुना नहीं है भाई, ये भी नहीं पता। ये भी नहीं पता। ये सीक्वल है एक मूवी का, इसमें कंगना रनावत थी एंड शी गॉट तनु वेज मनु, तनु वेड्स वन रिटर्न। ओके ओके। एटलीस्ट सर हिंट पे तो गेस सही कर रहे हैं, सो टिल नाउ सर इज गेसिंग इट राइट। नेक्स्ट वन, दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो। थ्री इडियट्स, ये लैंडमार्क फिल्म से यार, ये तो मतलब इसके तो आई थिंक सारे डायलॉग्स याद होंगे हर किसी को, राइट दिस इज राइट। लाइक अमेजिंग फिल्म, वर्थ वॉचिंग अगेन एंड अगेन। ओके लास्ट वन, बदतमीज चद्दर की कमीज लोहे का पजामा, बंदर तेरा मामा, अरे बिल्ली तेरी मौसी, कुत्ता तेरा यार, आम का अचार, आजा मेरे यार।
यार ये डायलॉग तो सुना है बट बिल्कुल ये बचपन के दिन याद आ रहे हैं, फिल्म में याद नहीं आ रहा। व्हाट ये फिल्म इज इसमें दिस? दोनों है, सलमान सॉरी, खान और सलमान खान और अक्षय कुमार दोनों है। अच्छा वो प्रीति जिंटा वाली से शिरीष कुंडर जानेमन, नो, एक और थी देन उस जाइए, प्रियंका चोपड़ा थी इसमें। आई थिंक मैं फिर नाम कंफ्यूज हो रहा हूँ। आई आई एम नॉट गेटिंग दिट। मुझसे शादी करोगी? शादी हाँ से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड थी। हाँ मुझसे शादी करोगी, दैट वन। नहीं हाँ तो मैं ओके। एटलीस्ट लेके आया हूँ वहां तक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा बट सर मतलब गिफ्ट अच्छा हैम्पर गेम, मिलेगा ना इसमें? गिफ्ट हैम्पर दोगे ना यहाँ से ऐसे? मतलब उसके बाद मैं आऊंगा एंड आप मुझे घर पे अच्छा खाना खिलाएंगे एंड मैं आपको गिफ्ट हैम्पर दूंगा। हाँ हाँ जरूर, अभी आ जाओ। हाँ तो सर पुलिस खड़ी है, जो बाहर निकलेगा उसको वहीं पे बरसाएंगे वो लाठिया। नहीं तो वही खाना होगा, वही वाला खाना होगा। मैं समझ गया था सर वही, बट आप अच्छा हाँ खेले, आपने 6 में से 4 करेक्ट गेस किए, सो वंडरफुली अरे प्लेड वो आपने। चीटिंग करके। सो या सुन रहे ना, इज आस्किंग हु विल बी द फर्स्ट पर्सन यू विल मीट वंस दिस लॉकडाउन गेट्स ओवर। आई थिंक आई विल गो एंड मीट माई फ्रेंड्स यार। ये तो मतलब बहुत लंबा टाइम हो गया। आई विल वॉन्ट कि सारे फ्रेंड्स एक जगह मिलें, पार्टी करें, तो कोई मिस ना हो जाए। ओके सो ओके एंड व्हाइल स्क्रॉलिंग थ्रू सोशल मीडिया, डू यू प्रेफर पोस्ट फ्रॉम सेलिब्रिटीज और फ्रॉम बेस्ट फ्रेंड्स? बेस्ट फ्रेंड्स यार। ओके आई फॉलो पीपल दैट आई लाइक, नॉट यू नो स्टूपिडली फॉलोइंग एवरी अदर एक्टर। आई हार्डली फॉलो एनीबडी दैट आई डोंट नो और आई डोंट लाइक। इफ आई रियली लाइक समवन देन आई विल फॉलो। ओके एंड ग्रेट। आई फॉलो सो मेनी पीपल दैट आई डोंट नो ऑल्सो, बट इफ आई लाइक, इफ आई फील दैट दे पोस्ट आर इंटरेस्टिंग, स्पेशली ऑन ट्विटर, मुझे फनी पोस्ट बड़े अच्छे लगते हैं, जो फनी हो या इंटरेस्टिंग हो या जो जेन्युइनली सीरियस पॉलिटिकली कमेंट करते हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो मुझे वो चीजें पसंद आती हैं, फनी चीजें पसंद आती हैं, ग्रेट ग्रेट या टू नो शेरो दैट सर। शायरी की जी। मीतू अग्रवाल इज आस्किंग हु इज योर फेवरेट क्रिकेटर एंड फेवरेट आईपीएल टीम? आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट ईच वन ऑफ यू, बट आई डोंट वॉच क्रिकेट, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, आई हैव नो फेवरेट टीम्स इन आईपीएल, आई हैव रेयरली सीन, आई एम जीरो इन क्रिकेट, बिल्कुल बट आई भी नो मेरा। यू इंडिया पाकिस्तान मैचेस। हाँ इंडिया पाकिस्तान मैच तो मेरे ख्याल से सभी लोग देखते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो मैचेस आजकल मतलब अब तो सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स ही पता नहीं कब होंगे, बट आई थिंक आई बिलीव कि फिल्म टेलीविजन स्पोर्ट्स जो आर्ट स्पोर्ट्स हैं ये आदान प्रदान दोनों देशों के बीच में चलते रहना चाहिए, क्योंकि आप ट्रेड तो कर रहे हो, आप चावल दे रहे हो, आप वहां से सेब ले रहे हो, वहां से आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, बहुत बड़े बड़े लोग ये सब काम कर रहे हैं। जब आर्ट और आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स लोग एक दूसरे के साथ खेलते हैं, आप अपना देश रखिए, लेकिन ये आदान प्रदान चलते रहना चाहिए। आई फील कि यू कांट हैव बाउंड्री फॉर आर्टिस्ट। मुझे करेक्ट लगता है कि शायद ही वहां का कोई भी इंसान हो, किसी भी जगह का, जो शाहरुख, आमिर, सलमान या बच्चन साहब या सचिन तेंदुलकर को पसंद ना करते हो, और शायद ही इस तरफ कोई ऐसे लोग हों जो कि अली सेठी या वहां की जो बेगम परवीन हैं और जो वहां के सिंगर्स हैं, मेहंदी हसन साहब हैं, शायद ही कोई ऐसा हिंदुस्तानी हो जो उनकी इतनी ही इज्जत और उतना प्यार ना करता हो। जब वो है वहां, मतलब हमारे जितने भी बड़े बड़े जो हम जिनकी गजलें पढ़ते हैं सब पाकिस्तान के शायर हैं, और जो हमारे मोहम्मद रफी साहब हैं या सोनू निगम हैं या कंटेम्प्रेरी सिंगर्स हैं, आज के सिंगर्स हैं, वी ऑल लव आर्ट। तो हम हर तरफ की, चाहे अमेरिकन हो चाहे ब्रिटिशर्स हो, वी लव आर्टिस्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ विच कंट्री, बिकॉज आई डोंट थिंक आप आर्ट को एक जगह से बांध सकते हो, एक बाउंड्री में बांध सकते हो आर्ट, आर्टिस्ट और इवन स्पोर्ट्समैन को। आप ऑफकोर्स स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखिए, राइट मगर बांधना नहीं चाहिए। राइट राइट। सो श्रेया मिश्रा इज आस्किंग सर आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है लॉकडाउन में, कौन सा गाना सबसे ज्यादा सुनते हैं? फेवरेट गाना हो सकता था हम तुम्हें कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, मगर ये हो ना सका, मगर ये हो ना सका। अभी आलम है कि तुम कहीं और हम कहीं हैं। या राइट। बट अभी तो सर
तंदूरी, जैसे सर ने बोला हमें तंदूरी मैं या सर यू आर टेलिंग समथिंग हाँ, आई एम सेइंग मुझे एक प्रॉब्लम है. द रियल द एक्चुअल वर्ड टू बी यूज इज फिजिकल डिस्टेंसिंग. द वर्ड दैट एवरीबडी इन द मीडिया द वर्ल्ड ओवर पीपल आर यूजिंग इज सोशल डिस्टेंसिंग. वी आर नॉट सोशली डिस्टेंट. दिस इज सोशली नॉट डिस्टेंट. वी आर सोशली क्लोजर. वी आर आई एम मोर इंटरैक्ट. आई एम श्योर एवरीबडी इज मोर इंटरैक्टिव राइट नाउ बिकॉज एवरीबडी इज फ्री. सो आप ज्यादा इंटरनेट यूज करते हो. आप फेसबुक इंस्टाग्राम जितने भी सोशल मीडिया हैं आप उन पे ज्यादा क्लोज हो. आप अपने घर वालों से जूम और व्हाट्सएप कॉल्स कर रहे हो, फेसबुक और इंस्टाग्राम कॉल्स कर रहे हो. सो आप ज्यादा क्लोज हो सोशली. ऑफकोर्स यू नीड टू बी क्लोज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. फिजिकल डिस्टेंस इज एन इशू विच वी नीड टू मेंटेन ताकि हम एक दूसरे की सेफ्टी के लिए अगर हम कहीं बाहर में जाना पड़ता है तो आप फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए. सोशली डिस्टेंस नहीं होना चाहिए. सो सोशल डिस्टेंसिंग इज अ वेरी वेरी रॉन्ग टर्म. जितने भी लोग ये सुन रहे हैं आप प्लीज ये सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड यूज मत कीजिए. सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए. वी आर सोशली वेरी क्लोज. फिजिकल डिस्टेंसिंग इज नीडेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. जब सिचुएशन ठीक हो जाए तब आप वापस लोगों के साथ पार्टी कीजिए, मिलिए मिलिए. लेकिन फिजिकल डिस्टेंस को हमें ध्यान रखना है, नॉट सोशल डिस्टेंसिंग. We will try to convey through memes also. That's a very right thing you have conveyed actually. Because Thank physical, you, brother. Yeah. Yes. Yeah. Priya Mishra Singh, how are you, sir? Hope you are doing very good. Yes, Shreya Mishra, I'm absolutely fine. I'm good. Thank you so much for asking. Hope you guys are good too. Yeah. Dheeraj is asking, what is that one thing that irritates you the most? नहीं यार, मुझे ऐसे कुछ मुझे इरिटेशन होता है जब लोग बहुत ज्यादा जात पात करते हैं. देखिए इस वक्त जो जो टाइम है सारे मस्जिद सारे मंदिर सारे गुरुद्वारे सारे चर्चेस सब बंद है. खुले हैं डॉक्टर्स, खुले हैं पुलिस वाले, खुले हैं बीएमसी के वर्कर्स और म्युनिसिपल वर्कर्स. सो दे आर द रियल द एनजीओज द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो जो काम कर रहे हैं दे आर द रियल हीरोज. तो जब ये लॉकडाउन खत्म भी हो जाए ध्यान रखिए जो अगर आपकी कोई मदद कर रहे हैं तो एजुकेटेड लोग कर रहे हैं, जिनके दिल बड़े हैं वो कर रहे हैं. कोई रिलीजन, और अगर कोई रिलीजन कहे कि मैं सिर्फ मेरे ही रिलीजन वालों की मदद करूं वो भी रॉन्ग है. आई थिंक वी ऑल शुड लर्न फ्रॉम गुरुद्वाराज. उन्होंने अपने दिल खोल के सबकी मदद करिए. हमेशा उनके गुरुद्वारे के दरवाजे खुले होते हैं. आपसे कभी नहीं पूछते आपकी जात क्या है, आप हिंदू हैं मुस्लिम हैं क्रिश्चियन हैं ईसाई हैं, आप जो भी हो अगर आप गुरुद्वारे में लंगर के टाइम पे जाते हैं आपको खाना मिलता है. दे ओनली एक्सपेक्ट कि आप वेस्ट ना करें एंड विच इज अ वेरी फेयर थिंग एंड दे आर ऑलवेज वेरी वेरी हेल्पफुल. सो आई थिंक वी शुड ऑल लर्न फ्रॉम सिक्स एंड गुरुद्वाराज ऑल ओवर द वर्ल्ड. आई होप कि हर रिलीजन अच्छी चीज एक दूसरे से सीखे. और रिलीजन के नाम पे लोगों को जब डिवाइड करते हैं और ये करते हैं कि उसने ये किया इसने किया, सॉरी बट स्टूपिड पीपल आर एवरीवेयर इन एवरी सिटी इन एवरी कंट्री एवरी रिलीजन. सो टू से कि आपका रिलीजन खराब है तो इट्स रॉन्ग. आप अपने अपने आप को देखिए यार, आप किसी के लिए रिलीजन के को लेके किसी से झगड़ा ना करें. दैट रियली इरिटेट्स मी एंड बॉदर्स मी. राइट राइट राइट. So, Rodney is asking, sir, आप अजमेर कब आएंगे? भाई ये लॉकडाउन खत्म हो जाए यार, बिल्कुल आना चाहूंगा मैं. Okay, Dheeraj is asking, which movie title describes you the best? मैं हूं ना. मैं हूं ना, वाह. Nice. Great, great. So, your favorite singer from Bollywood? I like Shan and Sonu. They're both great guys also, and I really like them. And these two are very, very much my favorite. Okay. Sanjit is asking your most embarrassing moment from childhood. यार बहुत सारे हैं यार, वो इतने embarrassing हैं कि मैं share नहीं कर सकता. Embarrassing moment क्यों share करूँगा यार, मतलब. Anyone? एम्बैरेसिंग मोमेंट ये था जिंदगी का. माय फादर वाज इन द आर्मी सो ही वाज पोस्टेड इन कानपुर. तो अगर कोई कानपुर का सुन रहा हो तो उनके लिए कानपुर में एक बहुत
पॉपुलर क्लब है, बहुत वेल नोन क्लब है, आज भी बहुत पॉपुलर है. उसका नाम है कानपुर क्लब, और हमारा घर उसके पास नहीं था तो हम लोग वहां स्विमिंग करने जाते थे. तो बचपन से हमको स्विमिंग की बड़े बड़ा शौक था, एंड वी यूज टू गो. तो स्विमिंग पूल में जो सबसे ऊपर वाला जो पायदान होता है, जहां से आप जंप मारते हैं, डाइव मारते हैं, तो सब बच्चों को आदत होती थी कि ऊपर से जाके जंप मारे. तो वन ऑफ टू टाइम्स मैं ऊपर गया, सबसे ऊपर वाले पर जंप मारा. तो जंप मारा तो देखा नीचे एक लेडी स्विम कर रही है. तो हवा में आप जितना राइट लेफ्ट कर सकते हो किया, बट फाइनली आई लैंडेड ऑन दैट लेडी. तो इतनी ऊपर से, मतलब तब शायद मेरा वजन 20-30 किलो ही रहा होगा, मगर एक 20-30 किलो एक आंटी के ऊपर जाके गिरो, तो इतनी, मतलब मुझे भी चोट लगी, ऑफ कोर्स आंटी को भी लगी होगी. लेकिन तो जितने भी, अब जब पहले आप देखते हो कि कोई नहीं है नीचे, और जैसे आप जंप मारते हो अचानक कोई आ गया, जो तो जंप मारा उनके ऊपर गिरा, तो सब लोगों ने कहा रे, और आंटी को उठा रहे, और मैं दूसरी आंटी एक तरफ पूल के निकले और मैं दूसरी तरफ. मैंने कहा यार लगी है, आई रियलाइज दैट माई चिन हैड गॉट हिट हर हेड, सो आई गॉट सम 10 स्टिचेस हियर, एंड द डॉक्टर सेड इफ इट वाज 2 फिंगर्स बिलो इट वुड हैव हिट माय नेक और थ्रोट, आई वुड हैव डाइड. इफ इट वाज 2 फिंगर्स अबव तो मेरे पूरे दांत निकल जाते. सो इट वाज वेरी वेरी हर्टफुल फॉर मी. आई गॉट स्टिचेस एंड दैट लेडी पुअर थिंग, उनके ऊपर वो गिरा तो मुझे उनका नहीं पता क्या हुआ, बट इट वॉज वेरी एम्बेरसिंग कि आप ऐसे कूदते हो और वो जिंदगी भर का एक सदमा है. एंड उसके बाद घर वाले अलग से पिटाई किए होंगे मेरे ख्याल से अरे वो उसकी। तो पहले तो, मतलब मेरे को तो जब चोट लगती सबसे ज्यादा डर इस बात का लगता था कि अब घर गए तो अब जाके पापा से पिटाई होगी, वो अलग. तो पहले तो पिटाई होती थी कि तुम फिर हाँ चोट लगा बिल्कुल। के आ गए, तो मेरे को कभी इधर स्टिचेस, कभी इधर स्टिचेस, कभी इधर स्टिचेस, कभी पाँव पे स्टिचेस, कभी कुत्ते ने काट लिया, कभी कुछ हो गया, कभी. सो वी आर नॉटी किड्स, मी एंड राकेश, सो वी यूज टू ऑलवेज एंड अप डूइंग समथिंग, बट चोट मुझे ही लगती थी. राइट। सो योर ड्रीम टू वर्क विद एनी एक्ट्रेस इन कमिंग टाइम। ड्रीम टू वर्क विद एनी एक्ट्रेस, इन कमिंग टाइम आई थिंक एनीबडी इज गुड. आई थिंक देर सो मेनी न्यू स्टार्स ऑन द वेब हु आई रियली एडमायर एंड आई हुज वर्क आई एडमायर, एंड एवरीबडी. आई थिंक देर सम ग्रेट वर्क इज हैपनिंग ऑन द वेब, एंड आई होप दैट दिस टाइम दैट द सीरियल प्रोड्यूसर्स हैव गॉट एंड द चैनल्स हैव गॉट, दे ऑल्सो रिवाइव द गेम, एंड आई होप दैट वी मेक मोर ऑफ वीकलीज. We're done with daily soaps because though daily soaps is give a lot of money and there's chunk of money that comes, but the quality of work always suffers is what I feel, and everybody who's associated with television will agree. आप एक ही स्टोरी को 10,000 एपिसोड नहीं खींच सकते. आप एक स्टोरी को, अगर आज आप और हम बात कर रहे हैं, एक टाइम लिमिट होती है जिसमें वो बात इंटरेस्टिंग होती है. आप उसको अगर 2 दिन तक करेंगे तो यू नो द ऑडियंस विल गेट बोर्ड. सेम वे फॉर द स्टोरीज, इट शुड हैव अ बिगनिंग, यू नो, पीक पॉइंट एंड देन दी एंड, देन यू कम बैक अगेन. आई फील दैट वीकली शुड मेक अ कम बैक इन दिस टाइम. सो यू मेक ग्रेट स्टोरीज, यू मेक देम वेल, यू राइट देम वेल, हैव ग्रेट कैरेक्टर्स, एंड कीप कमिंग अप विथ न्यू शोज. राइट। योर फेवरेट मूवी? लॉट्स ऑफ देम यार, एनी नंबर दैट आई कैन नेम, अभिमान, कयामत से कयामत तक, बॉबी, अंदाज अपना अपना, 3 इडियट्स, देन इन हॉलीवुड आई थिंक द रीसेंट जोकर, 1917. आई सॉ पैरासाइट बट आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाई डिड इट गेट द ऑस्कर फॉर द बेस्ट फिल्म. इट्स अ वेरी नाइस फिल्म, आई एम नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम इट, बट आई डोंट नो, इट समहाउ इट डिडंट टच मी. इट इज अ वेरी नाइस फिल्म, बट वेदर इट वॉज द बेस्ट फिल्म, आई डोंट नो. ओके ओके। योर फेवरेट इरफान खान मूवी? आई थिंक मकबूल इज वेरी, एंड मकबूल एंड हासिल, हासिल ही वॉज वेरी 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 गुड. इट्स अ अंडर रेटेड फिल्म, इट्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. आई थिंक इट्स अ मस्ट वॉच. इट्स ही इज सो गुड एंड एफर्टलेस इन मोस्ट ऑफ हिज फिल्म, सो एफर्टलेस. ग्रेट। सो वन लास्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू टेक, थोड़ा हाइपोथेटिकल है। सो द जी क्वेश्चन गोज लाइक, इफ यू हैव एंटायर वर्ल्ड्स अटेंशन टुवर्ड्स यू फॉर 30 सेकेंड्स, इफ इट हैपेंस, सो व्हाट विल यू से टू द वर्ल्ड एंड व्हाट मैसेज यू वुड लाइक टू गिव? ओपन द डोर्स ऑफ योर हार्ट
and stop judging people because of their race, because of their religion. Look at human beings as human beings. They may be good or bad, that's possible. You can judge them, but don't judge them by their religion, because that's, I think we've realized that that has caused so much of harm. Today, that has caused more harm than this coronavirus. And I think coronavirus duniya mein isliye phaila hai kyunki insaan bahut pagla gaye the, bahut ghamand aa gaya tha sabko. Ek ye ek unseen virus ne puri duniya ko lock karke apne apne gharon pe qaid kar diya hai. Ye bhagwan ka kehar hai, upar wale ka kehar hai ki bhaiya sudhar jao. You know, this world also belongs to the animals, this belongs to everyone. We are a small part of this world, so let's respect each other. Let's respect everyone. I think I've taken more than 30 seconds, but no, yeah. No, it's okay. Sir, I was hypothetical, like just aapko bola tha, but I want you to give more good message to Karan. Yeah, so I think that's very, very important ki log pyar karo, mohabbat karo. Agar koi achha nahi hai, use bolo ki yaar aap achhe nahi ho. Lekin tum फलाना रिलीजन हो इसलिए तुम और तुम्हारे सारे लोग अच्छे नहीं है, दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग. और वो मैं किसी एक की नहीं बोल रहा कि ये, डोंट जज पीपल बाय द रिलीजन, डोंट जज पीपल बाय द लैंग्वेज, बाय द कलर ऑफ द स्किन. इफ यू हैव टू जज, जज देम बाय द क्वालिटीज इंडिविजुअल पर्सन हैज और डजंट हैव. सो दैट्स व्हाट आई, बिकॉज जब हम फिल्में देखते हैं, जैसे हर इंसान को इरफान खान और ऋषि जी के लिए इक्वल दुख है. मुझे नहीं पता एक भी मुस्लिम इंसान जो ऋषि कपूर को पसंद ना करता, हो ही नहीं सकता. मुझे एक भी ऐसा हिंदू इंसान नहीं पसंद है, नहीं पता है जो इरफान खान की डेथ पे उन्हें दुख ना हुआ. या एक भी, मतलब बच्चन साहब इज अ यूनिवर्सल गॉड फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर द कंट्री, फॉर एवरीवन. सचिन इज, दो आई एम नॉट अ क्रिकेट फैन, बट सचिन, सुनील गावस्कर, कपिल, दे आर लेजेंड्स फॉर एवरीवन. नॉट बिकॉज दे, पीपल लव देम बिकॉज दे आर वेरी गुड इन व्हाट दे डू. So why can't we have the same love for our friends and family and our neighbors and people staying in the next building? यार वो भी इंसान है, तो वही उन्हीं, मतलब उनको हम क्यों, ये इस जात का है वो मुझे बहुत तकलीफ होती है इन बातों से. No sir, but really wonderful message and very well explained with examples also. So thank you sir for that wonderful message and I hope आपको मजा आया आज के live chat पे. I tried to make it interesting as much as possible. विशाल बाबू आप कमाल हो, आपसे हमने बहुत कुछ सीखा. एंड ऑडियंस का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो इतने सारे लोग आपकी वजह से मुझे भी मिल पाए. एंड इट्स रियली इंटरेस्टिंग एंड इट्स रियली नाइस टू टॉक टू यू एवरी टाइम वी मीट ऑल्सो, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर. एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप टू मीट यू मोर ऑफन. Same here, sir. It was a pleasure and lovely interacting with you and we wish you lots of luck. एंड मैं कभी अजमेर में आपको जरूर पकड़ूंगा. मैं चाहूंगा कि आपको अजमेर में कभी मिलो एंड साथ में हम सब कुछ एंजॉय करें फूड जो भी. अरे जरूर, दैट विल बी ग्रेट फन, दैट विल बी ग्रेट फन. एंड ठीक है, मैं नंबर जरूर निकाल के दूंगा आपको. प्लीज प्लीज, यस या. एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन, स्टे सेफ एंड लॉट्स ऑफ लक अगेन. Thank you, brother. Thank you and lots of love to your school versus college life. It's a great platform to interact and meet everyone. Thank you so much. Lots of love. Bye-bye. Have a nice day. Take care. Yeah. You too. Bye.